हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज की जो लेक्चर सीरीज़ है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। वो एमएससी फाइनल के लिए लेक्चर नंबर 3, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि 3D लैटिस किस तरीके से बनता है और आपके पास 2D लैटिस किस तरीके से बनता है, वो प्रीवियस बातें आप देख के आइएगा, जब आज की जो लेक्चर सीरीज़ है आपको समझ में आएगी, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो देखिएगा आज के लेक्चर सीरीज में अपन किस बात की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिएगा तो देखिए आज अपन सिंपल क्यूबिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है इसकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। ये आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, देखते जाइएगा इसके कॉर्नर्स पे क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे इस तरीके से, क्या होंगे आपके पास, इसके कॉर्नर पे एटम्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे एटम होंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे एटम होंगे इस तरीके से, इसके कॉर्नर्स पर एटम होंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पर एटम होंगे इस तरीके से, इस तरीके से एटम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो पहला टॉप पॉइंट है आपके पास, इसका डिस्कशन कर रहे हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आपके पास देखिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो आपके पास एक एटम मैंने ले लिया, ठीक है। और वो किससे, कितने, एक एटम ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक एटम ले लिया। ये ऐसे कितने एटम्स हैं, एक, ये दो, ठीक है, ये आपके पास तीन, ये आपके पास चार, ठीक है, ये आपके पास चार, ये आपके पास पाँच, ये आपके पास छः, ये आपके पास सेवन, ये आपके पास एट, ठीक है। ये एट एटम्स हैं, टोटल एटम्स कितने हैं आपके पास, एट एटम्स हैं। तो एक एटम्स है तो एक के कारण कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंप्लीट में, और आपके पास एट के कारण कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वन बाई एट, और कितने एटम्स हैं, एट, तो आपके पास कितना हो जाएगा, वन बाई एट मल्टीप्लाई एट इक्वल टू वन। तो आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। दूसरा आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर डिस्कशन करते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर देखिएगा किस तरीके से डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा द नियरेस्ट एटम which are touching of the corner atom that is number of nearest atom is known as nearest atom is known as coordinate number, ठीक है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर कहलाएगा आपके पास, ठीक है। जो एटम है वो टच कर रहा है, कॉर्नर वाले एटम से टच कर रहा है, विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट नंबर, ठीक है। अब देखिएगा इसका कोऑर्डिनेट नंबर किस तरीके से निकालेंगे,
इसके कोऑर्डिनेट नंबर किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट नंबर निकालने के लिए अपन को कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे, इसके यहाँ पर क्यूब बनाना पड़ेगा, 3D में सोचना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, एक क्यूब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक बार समझाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं, फिर भी देख लीजिएगा। पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, फिर भी देखिएगा किस तरीके से होगा। ये एटम हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया क्यूब, एक ऊपर भी होगा, एक ऊपर भी होगा इस तरीके से, ऊपर भी रखा होगा, ठीक है। और एक एटम ये लीजिए, इसका नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, नियरेस्ट इसका एक तो ये हो गया, ठीक है, इसका नियरेस्ट एक ही हो गया, एक नियरेस्ट ये हो गया, ठीक है, एक नियरेस्ट ये हो गया, कितने हो गए, इसका 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक इसका नियरेस्ट नीचे की तरफ होगा, 5, ठीक है, एक इसका नियरेस्ट नीचे की तरफ होगा, और एक नियरेस्ट इसका नीचे की तरफ होगा, 1, 5, और एक नियरेस्ट आपके पास होगा, 3D में सोचें तो एक नियरेस्ट आपके पास, एक तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, एक आपके पास और होगा, ठीक है, एक एटम और होगा, एक एटम और होगा यहाँ पर आपके पास, एक 3D में सोचा जाए तो एक एटम यहाँ पर और होगा नियरेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास एक नियरेस्ट हो गया, ये आपके पास 2 नियरेस्ट हो गया, ये आपके पास 3 हो गया, और एक यहाँ पर और होगा, ठीक है, एक यहाँ पर और होगा। इसके नियरेस्ट जो नीचे वाला, अपन दो क्यूब और नीचे वाले बनाएंगे ना, 3D बनते नहीं है, तो दो नीचे और क्यूब बनाएंगे ना, तो नियरेस्ट आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 3 हो गया, ठीक है, ये आपके पास 4 हो गया, ठीक है, और एक हो गया 1, 2, 3, 4, ये आपके पास कितना हो गया, ये 3 दो बार लिखा गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो 3D में बनेगा नहीं, परंतु एक नियरेस्ट जैसा कि इस तरीके ये वाला 3 वाला नियरेस्ट है किसके, इसके, तो वैसे ही आपके पास 6 वाला नियरेस्ट होगा इसके, जैसा कि 3 वाला नियरेस्ट है वैसे ही आपके पास 6 वाला नियरेस्ट होगा, 3D में आप चेक कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से नियरेस्ट होगा। अब अपन आगे इस पर चर्चा करें तो कितने कोऑर्डिनेट नंबर हो गए आपके पास, 6 कोऑर्डिनेट नंबर हो गए, 6 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट नंबर हो गए, ठीक है, 6 आपके पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएंगे, इस तरीके से 6 हो जाएंगे। तो आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो गए इसके, 6 कोऑर्डिनेट नंबर आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 6 हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दो एटम्स जो नियरेस्ट एटम है उनके बीच की डिस्टेंस a है, ठीक है, ये a है, ये ए डिस्टेंस है, दोनों कोऑर्डिनेट, एक ये आपके पास इसके नियरेस्ट अपन चेक कर रहे थे, इसके नियरेस्ट क्या कर रहे थे, अपन चेक कर रहे थे, इसके नियरेस्ट चेक कर रहे थे, ये वाला इसके नियरेस्ट है, ये एटम क्या है, इसके नियरेस्ट है, तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब आगे अपन डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ये अगर दो एटम नियरेस्ट है, ये दोनों एटम को उठा रहा हूँ मैं, ये वाला एटम है, ये तो सेंटर वाला एटम ओ मान लेता हूँ, इसको मैं P मान लेता हूँ, तो O इस डिस्टेंस को उठा रहा हूँ मैं इस तरीके से, तो ये आपके पास नियरेस्ट एटम इस तरीके से है, इसका नियरेस्ट है आपके पास इसका इस तरीके से, ये आपके पास है, ये R डिस्टेंस है इसकी, ये इसकी R डिस्टेंस है, ठीक है, ये R इसकी रेडियस है, ठीक है, तो ये R रेडियस है इसकी, ये R रेडियस है, तो ये आपके पास 2R रेडियस हो जाएगी, ठीक है, ये आपके पास लेटिस पैरामीटर हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये आपके पास दोनों के बीच की डिस्टेंस ए हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस है ना, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये ओ हो गया, ओ एटम हो गया, ये आपके पास पी एटम हो गया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये ए हो जाएगी, ये ए आपके पास हो जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो लेटिस पैरामीटर तीसरा पॉइंट है आपके पास, लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर, तो लेटिस पैरामीटर आपके पास क्या है, ए बराबर 2R, वेयर आर इज एटॉमिक रेडियस,
एटॉमिक रेडियस, ठीक है। आर क्या है आपके पास, एटॉमिक रेडियस, यहां लिख देता हूं, वेयर आर ए बराबर टू आर, वेयर आर इक्वल टू, आर इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगी, a बराबर 2r, ये आपके पास एटॉमिक रेडियस हो जाएगी, ठीक है, a बराबर 2r एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। अब एटॉमिक रेडियस निकालें तो आपके पास देखिएगा एटॉमिक रेडियस, फोर्थ नंबर पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं, तो एटॉमिक रेडियस निकालनी है अपन, एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस निकालें तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू, यहां से निकालें a बराबर 2r है, यहां से r इक्वल टू निकालें तो ये आपके पास a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास a बाई 2 हो जाएगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दोबारा से समझ लीजिएगा, सबसे पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम समझा रहे थे अपन, तो आपके पास कॉर्नर्स पे कितने एटम है, 8 एटम्स है, कॉर्नर्स पे कितने एटम है, 8 एटम है, और एक का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई 8, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात है कोऑर्डिनेट नंबर, द नियरेस्ट एटम विच आर टचिंग ऑफ द कॉर्नर्स एटम्स, तो कॉर्नर्स एटम्स के पास जो टच करते हैं, ये कॉर्नर्स के एटम है, ये आपके पास कॉर्नर्स के एटम है, या कॉर्नर्स एटम, या फिर एटम लगा दीजिए कॉर्नर्स एटम, या जो अपन सपोज कर रहे हैं, ये वाला कॉर्नर वाला एटम सपोज कर रहे हैं, उस सपोजेबल एटम भी लिख सकते हैं, जो अपन ने सपोज किया है, कंसिडर्ड एटम, तो कंसिडर्ड एटम के बारे में भी अपन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, कंसिडर एटम जो अपन ने कंसिडर किया गया है वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कंसिडर एटम, तो उस पे क्या कहते हैं, उसके साथ में जो नंबर ऑफ एटम होंगे, उसके साथ जो नंबर ऑफ एटम जो टच करेंगे वो आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर होंगे। और सिक्स किस तरीके से हुए, एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, इसके टच कर रहा है ये, थ्री वाला टच कर रहा है, वन वाला टच कर रहा है, टू वाला टच कर रहा है, फोर वाला टच कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद में फाइव वाला नीचे और आपके पास इस तरीके से नीचे और होगा, नीचे एक क्यूब होगा, इस तरफ एक क्यूब, इस तरफ होगा, तो सिक्स और ये फाइव इस तरीके से टच कर जाएंगे, और अपन दोनों की दो एटम जो आपस में टच कर रहे हैं, इसके आपस में तीन नंबर एटम टच कर रहा है, टू नंबर एटम टच कर रहा है, वन एटम टच कर रहा है, वन इसको तो जो सपोजेबल कंसिडरेबल एटम है जिसके टच पी वाला कर रहा है, तो उनके बीच की डिस्टेंस अपन ने क्या ले ली, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए ले ली, तो इसकी रेडियस, तो इस वाले एटम, पहले वाले एटम की तो रेडियस आर हो गई, दूसरे वाले की आर होगी, तो आर आर टू आर, तो टू आर ए बराबर टू आर किसके बराबर हो गया, ए बराबर टू आर हो गया, और ये आपके पास ए क्या कहलाता है, लैटिस पैरामीटर कहलाता है, और आपके पास एटॉमिक रेडियस किस तरीके से लिखोगे, आर इक्वल टू ए बाई टू, ठीक है, इस तरीके से आपके पास चार बातें कंप्लीट हो जाती है, नोट कर लीजिएगा।
देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है आपके पास नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, फिफ्थ नंबर पॉइंट है आपके पास नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिएगा नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस में क्या किस तरीके से चर्चा करेंगे अपन। तो आपके पास जो नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस बिटवीन, नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस में लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट, नियरेस्ट नियरेस्ट नेबरहुड, नियरेस्ट सेंटर, सेंटर्स ऑफ द एटम, ऑफ द एटम, ऑफ द एटम्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ नियरेस्ट, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सेंटर्स ऑफ द नियरेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सेंटर ऑफ नेबरहुड एटम्स, नेबरहुड, नेबरहुड, नेबरहुड डिस्टेंस एटम, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरहुड, नेबरहुड डिस्टेंस। क्या कह रहा हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सेंटर ऑफ नियरेस्ट एटम, ठीक है। नियरेस्ट सेंटर, नियरेस्ट सेंटर्स ऑफ नेबरहुड एटम्स, ठीक है। तो आपके पास जो डिस्टेंस होगी अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सेंटर, नियरेस्ट सेंटर ऑफ द नेबरहुड एटम्स, जो नियरेस्ट सेंटर है, नियरेस्ट सेंटर ऑफ नेबरहुड एटम, नेबरहुड एटम के पास जो नियरेस्ट सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपके पास किस तरीके से देखिएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, देखते जाइएगा। क्यूब है ये आपके पास, इस तरीके का क्यूब है, इसके साथ मैं एक अटैच कर रहा हूँ क्यूब, ठीक है। इस तरीके से अटैच कर रहा हूँ मैं क्यूब, ठीक है, इस तरीके से अटैच कर दिया है, ठीक है। अब ये इसका मान लीजिए, इसके इसका नियरेस्ट देखना है, तो इसका नियरेस्ट मान लीजिए ये है, ठीक है, इसका नियरेस्ट क्या है, ये है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, दोनों के बीच में नियरेस्ट सेंटर कौन सा, ये है, और नियरेस्ट एटम कौन सा है, नेबरहुड एटम कौन सा है, ये है, ठीक है। नियरेस्ट सेंटर भी है, नेबरहुड नियरेस्ट जो नेबरहुड एटम है वो भी यही है, ठीक है, वो ए डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, नियरेस्ट, नियरेस्ट नेबरहुड, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपके पास ए हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। अब लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिक्स नंबर पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो इस ये ए डिस्टेंस है, फिर नेबरहुड डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है, ठीक है। ये ए है तो ये भी ए होगी, तो ये ए है तो ये भी ए होगी, तो आपके पास सारी साइड ए है तो क्यूब है, क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब, वी इक्वल टू ए क्यूब। सेवन नंबर पॉइंट डालिएगा, पहले इतना नोट कीजिए, फिर सेवन नंबर पॉइंट डालिएगा।
अब देखिएगा नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम। लगाइएगा हेडिंग दोबारा 7 नंबर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम। पर एटम तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको मैं वी डैश बोल देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आया था v डैश इक्वल टू ये ए क्यूब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम a, तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास v। ठीक है ये आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास 8 नंबर पॉइंट है डालिए वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल जो वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है जो यूनिट सेल के अंदर है वो अपन को वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना अपन को निकालना है, कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है 1 है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या है गोलाकार आकृति होती है, ये रेडियस है यानी ये स्पेरिकल टाइप है तो 4/3 πr³ और ये आपके पास r की वैल्यू ये है वो पुटअप कर देंगे। ठीक है तो 4/3 π ये आपके पास a/2³। ठीक है तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको मैं वी ए बोल देता हूँ। ठीक है तो आगे देखिएगा वी ए का जो वो आपके पास सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन कितना हो जाएगा, ये आपके पास 4/3 और ये पाई और ये आपके पास ए क्यूब अपॉन 8 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2π a³ अपॉन ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा नीचे ये 2 टाइम्स ये 1 टाइम्स तो ये आपके पास नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है πa³ अपॉन 6 ये आपके पास va का जो रिजल्ट आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा πa³ अपॉन 6 ये आपके पास रिजल्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा πa³ अपॉन 6। ठीक है अब 9 नंबर पॉइंट डालिएगा पैकिंग फ्रैक्शन इतना नोट कीजिए फिर 9 नंबर पॉइंट डालिएगा पैकिंग फ्रैक्शन। नया नंबर पॉइंट डालिएगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन
डालिएगा। 9 नंबर पॉइंट पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन आपका जो क्रिस्टल है किस तरीके, कितना पैक्ड है, कितना पैक्ड है उसमें, कितना वॉल्यूम वॉल्यूम है जो सॉलिड में पैक्ड है, और कितना आपके पास स्पेस खाली है, वो आपके पास क्या डिनोट करेगा, पैकिंग फ्रैक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। जो यूनिट सेल के अंदर क्या है, एटम्स का वॉल्यूम है, यूनिट सेल के अंदर क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये आपके पास जैसे परसेंटेज निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज, ऑप्टेन मार्क्स यानी वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जो एटम्स का वॉल्यूम है इन यूनिट सेल, ये आपके पास कॉर्नर पर एटम है, ठीक है, इसमें कितना पार्ट है जो आपके पास भरा हुआ है या स्पेस खाली है वो बताएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, यूनिट सेल का निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी वैल्यू है, ये आपके पास है पाई ए क्यूब बाई सिक्स, और ये आपके पास ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, पैकिंग फ्रैक्शन पी लिख दूं मैं इसको, तो ये आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन पी कितना आ जाएगा, ये आपके पास पाई अपॉन सिक्स कितना आ जाएगा, ये आपके पास 52%, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 52%, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा और परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ये आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 9 नंबर पॉइंट। ठीक है, इसको ऐसे 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐसे 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज में आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, अब आपके पास 10 नंबर पॉइंट है, ये आपके पास है प्रिमिटिव वैक्टर क्या डिनोट करते हैं, क्रिस्टल में कोई भी क्रिस्टल का एटम है वो दूसरे क्रिस्टल से डिस्टेंस अपन शो करते हैं इन वैक्टर एल्जेब्रा, इन फॉर्मेट ऑफ वैक्टर एल्जेब्रा इज नोन एज प्रिमिटिव वैक्टर्स। ठीक है, जैसा कि आपके पास एक एटम यहाँ पर है, एक एटम आगे, तो उनके बीच की डिस्टेंस डायरेक्शन वाइज शो करने के लिए अपन प्रिमिटिव वैक्टर्स का यूज लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन वाइज शो करने के लिए प्रिमिटिव वैक्टर का यूज लेते हैं, प्रिमिटिव वैक्टर्स लगाइएगा। लगाइए प्रिमिटिव वेक्टर्स, ठीक है, लगाइएगा प्रिमिटिव वेक्टर्स। 10 नंबर वीडियो है, 10 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, 10 नंबर आपके पास है प्रिमिटिव वेक्टर्स, तो प्रिमिटिव वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स, प्रिमिटिव वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इस तरीके से प्रिमिटिव वेक्टर्स होगा, कुछ इस तरीके से मैं डिनोट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं डिनोट करने जा रहा हूँ, इस तरीके से होगा प्रिमिटिव वेक्टर्स। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से होगा प्रिमिटिव वेक्टर्स। ये आपके पास एक एटम ये हो गया, ये मान लीजिए वाई एक्सिस मान लीजिए, ये आपके पास जेड एक्सिस मान लीजिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, एक्स वाई जेड इसी फॉर्मेट में लिखते हो, पहले यहाँ पर एक्स वाई जेड साइक्लिक में लिखते हो, यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ वाई लिख दिया, यहाँ जेड लिख दिया, ऐसा मत करना, ये गलत होगा, साइक्लिक में लिखते हैं एक्स वाई फिर जेड। ठीक है, तो ये आपके पास एटम ये हो गया, तो इस डायरेक्शन में अगर वाई डायरेक्शन है तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी है इस एटम और इस एटम के बीच की, ये ए डिस्टेंस है दोनों एटम के बीच की, तो ए जे कैप, ये आपके पास डायरेक्शन वाइज कर दिया मैंने,
ये आपके पास एटम है, ये एटम है, तो डायरेक्शन वाइज करें तो ये आपके पास ए के कैप हो गया, ये डायरेक्शन वाइज करें तो ए आई कैप हो गया, ठीक है। तो प्रिमिटिव वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा प्रिमिटिव वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोल दो, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में ए आई कैप, बी डायरेक्शन में कितना हो जाएगा ए जे कैप, और सी वेक्टर लिख दो ए के कैप, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, 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 ये आपके पास 11 है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल, ठीक है। प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम निकालना है आपको, तो ये ओम, ये वॉल्यूम को इस तरीके से लिखते हैं, ये आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे, ये आपके पास इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास ए आई कैप, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास ए जे कैप, सी वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास ए के कैप, वैल्यू डाल दो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ए आई कैप डॉट ए जे कैप क्रॉस ए के कैप, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ए आई कैप डॉट, ये आपके पास ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आपके पास जे क्रॉस के कैप, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर ए जाके कितना हो जाएगा बाहर ए क्यूब, ए क्यूब, और ये आपके पास कितना हो जाएगा आई कैप, ये आपके पास जे क्रॉस के कैप, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा साइक्लिक लिखें तो ये आई कैप जे कैप ये के कैप, तो आपके पास जे के कैप ये जे कैप इस डायरेक्शन में, तो आपके पास आई आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ए क्यूब आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। तो आपके पास ये प्रिमिटिव वेक्टर का क्या हो जाएगा प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है, ये आपके पास ए क्यूब आ जाएगा, नोट कीजिएगा। और अगली हेडिंग बीसीसी डाल दीजिए, अगली हेडिंग बीसीसी डाल दीजिएगा, इस पॉइंट के अपन को डायरेक्शन बताने पड़े, इस और इसके बीच में डायरेक्शन बतानी पड़े, तो कैसे बताएंगे बताइएगा, क्वेश्चन कैसे बताएंगे, ये आपके पास जे फिर अपन यहाँ चले, ये आपके पास के फिर यहाँ चले, तो ये आपके पास एक्स, तो ये आपके पास इसके लिए क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ठीक है। तो ये ए कॉमन ले लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ए आर वेक्टर, इसको अगर आर वेक्टर शो कर दें आर वेक्टर ए, ये आपके पास कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। यानी इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे ए ए ए, कैसे ये ए चले इस तरीके से, फिर ए यहाँ पर चले वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में भी ए चले, वाई डायरेक्शन में भी ए चले, फिर ऐसे चले, और ऐसे चलने का मतलब इसको उठाओ, ऐसे चलने का मतलब इसको उठाओ और यहाँ पर रख दो, यानी एक्स डायरेक्शन में भी कुछ चले हैं, यानी इसके पैरेलल ही तो हो गए, ये एक्स क्या हो गया ये एक्स डायरेक्शन है और ये थोड़ा सा ऊपर है, तो इसके पैरेलल ही हो गया, तो पैरेलल ही हो गया, तो इसके पॉइंट ए ए हो गए, तो ए आई कैप ए जे कैप ए के कैप ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ए आर वेक्टर, और ये आपके पास इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आ गई, इन दोनों पॉइंट के बीच की डायरेक्शन आ गई, इसको वन बोल दो, इसको थ्री बोल दो, इसको टू बोल दो, इसको फोर बोलो, फिर ये आपके पास थ्री, तो वन से फोर्थ नंबर एटम के बीच की, वन से वन एटम से फोर नंबर एटम के बीच की डायरेक्शन ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्रिमिटिव वेक्टर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
अब फिर BCC डाल दीजिएगा, वही ये 11 पॉइंट बताने अपन को BCC में भी, तो देखिएगा किस तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से आपके पास होगा। देखिए नेक्स्ट है आपके पास BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर बनाए, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी आपके पास, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगी। उस स्ट्रक्चर को अपन डिनोट करते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके के, इस तरीके से क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी BCC की। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, ये आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, ये आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये आपके पास एटम बीच में होगा, एक BCC होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा तो बीच में होगी, एक एटम यहाँ पर होगा, 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 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एटम होगा। ठीक है, इस तरीके से एटम होगा, तो इसको कवर करना है, ये लीजिए कवर कर दिया। ठीक है, ये एटम हो गया, आर डिस्टेंस हो गई, ये आपके पास आर डिस्टेंस का हो गया, और ये आपके पास ठीक है, ये आर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आर डिस्टेंस, ये आपके पास 2R, ये कंप्लीट अपन ने क्या ले लिया, पूरा व्यास ले लिया इसका, तो ये 2R, ये रेडियस लिए, ये आर रेडियस लिए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि अपने को BCC पॉइंट है, बॉडी सेंटर्ड है, तो बीच वाले को कवर करके चलना पड़ेगा। बीच वाले को क्या करना पड़ेगा, कवर करके अपन को चलना पड़ेगा, जब भी आपके पास कंडीशंस बनेगी, एक एटम ऊपर है, एक एटम नीचे है, तो बीच वाले को कवर कर दिया अपन ने, तो यह फर्स्ट पॉइंट डाल रहे हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। BCC क्या है, मैंने बताया था, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये आपके पास। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो आपके पास 1 के अलावा इसकी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के नंबर आएंगे। ठीक है, तो 1/8 ये तो कॉमन रहेगा, 1/8 × 8 तो कॉमन रहेगा, और बीच में एक एटम है, ये आपके पास एटम है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बीच में है, ये किसी अदर मतलब प्लेस के, प्लेस पे एटम रखा है, उसके पे जो डिस्टेंस है उससे कोई भी इसका वास्ता नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 × 1, तो ये आपके पास कितना हो गया, 1 + 1, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2। ठीक है, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, जो आपके पास दूसरा है कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेट नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो जाएंगे इसके, 8 हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो जाएंगे इसके, 8 हो जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे इसके, 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 कैसे होंगे, ये देखिएगा, ये एटम है,
एक एटम है, और इस एटम से आपके पास कितने टच होंगे ये 3D में अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, 8 इसके कोऑर्डिनेट नंबर होंगे, 8 है तो 8 आपके पास ऊपर भी कनेक्टेड होगा, एक क्यूब एक साइड में भी कनेक्टेड होगा, एक उस साइड भी कनेक्ट होगा, एक नीचे भी कनेक्ट होगा, तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, तीसरा पॉइंट है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऐसा लिख दीजिएगा, कोऑर्डिनेट नंबर को कहते हैं किसे, जो आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर जो नियरेस्ट एटम को टच करते हैं उन एटम्स के लिए, जो कितने नंबर के जो एटम्स है, जो अपन जो कंसीडर करते हैं एटम उसके टच करते हैं, उस एटम को अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस लिखते हैं, तो ये आर डिस्टेंस, ये 2R डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, 4R डिस्टेंस, 4R डिस्टेंस, ठीक है, 4R डिस्टेंस, 4R डिस्टेंस, और ये 4R डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये एक ट्राइंगल बन गया, एक ये ट्राइंगल बन गया, ये आपके पास डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो ये आपके पास 4R डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी रूट थ्री ए स्क्वायर, यानी रूट थ्री ए, ठीक है। ये आपके पास 4R, तो R की वैल्यू निकालनी है, रूट थ्री बाई फोर आर ए, जो R क्या है, एटॉमिक रेडियस है, A क्या है, लैटिस पैरामीटर है, A क्या है आपके पास, लैटिस पैरामीटर है आपके पास, R बराबर रूट थ्री अपॉन फोर, और ये आपके पास R है एटॉमिक रेडियस, ये आपके पास है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लगाइए, नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास ए क्यूब हो जाएगा। पांचवा आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम, ये आपके पास है, तो ये किस तरीके से निकालेंगे, ये देखिएगा, ये आपके पास होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको वी बोल देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को क्या बोल देता हूँ, ई बोल देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ए क्यूब है, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ए टू है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ए क्यूब अपॉन टू, ठीक है, नोट कीजिएगा, ऐसा लगा सकते हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स,
देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर की जो वैल्यू थी अपने पास कितनी आई थी, ये आपके पास आई थी √3/4, ठीक है। नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस लगाइए नेक्स्ट पॉइंट, नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस ये कितना नंबर, 6 नंबर पॉइंट, डिस्टेंस ये आपके पास 2R हो गया, 2R इक्वल टू R की वैल्यू 2 × √3/4a, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा √3/2a, ये आपके पास 2R हो जाएगा, ठीक है ये आपके पास 2R की वैल्यू हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा 2R की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, अब नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इस आर को रखिए, आर का यूज आएगा अब, ठीक है इस आर को रखिएगा, इसका यूज आएगा अभी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इस आर का यूज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा नंबर, 7 नंबर पॉइंट है, ये आपके पास है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में एटम कितने हो जाएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो ये आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2/4/3πr³, यहां से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3π, और ये आपके पास √3/4³, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8π/3, और आपके पास √3, और ये मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी 64, ठीक है। ये 1 टाइम कैंसिल, ये 8 टाइम कैंसिल, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा π√3/8, ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये भी तो है साथ में, तो a³ साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आ जाएगा √3/π a³/8, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन, इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, तो देखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ये आपके पास 8 नंबर पॉइंट है, पैकिंग फ्रैक्शन
तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, कौन सा सेल, इन यूनिट सेल, आवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो आपके पास कितना रिजल्ट आएगा, ये आपके पास पाई, इसकी वैल्यू कितनी है, पाई रूट थ्री, पाई रूट थ्री आवर एट ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, पाई रूट थ्री अपॉन एट, यानी आपके पास 0.68, यानी पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 मल्टीप्लाई 100, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 68%। ये आपके पास आ जाएगा रूट थ्री पाई, रूट थ्री पाई अपॉन एट, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा 68%, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा 68%, ये आपके पास कितना आ जाएगा 68%, 0.68 मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास 68% आ जाएगा, पाई रूट थ्री अपॉन एट, ठीक है, 68% आ जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। प्रिमिटिव वेक्टर, अब लगाइएगा प्रिमिटिव वेक्टर्स, प्रिमिटिव वेक्टर्स, अब लगाइएगा प्रिमिटिव वेक्टर्स, प्रिमिटिव वेक्टर्स, ये आपके पास 9 नंबर पॉइंट होगा, प्रिमिटिव वेक्टर्स, ठीक है, इतना नोट कीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन को 68% लाइए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास, ये आपके पास नेक्स्ट है 9 नंबर, प्रिमिटिव वेक्टर, प्रिमिटिव वेक्टर्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव वेक्टर डालिएगा, ये आपके पास इस तरीके से ए क्यूब ये हो गया, ठीक है, प्रिमिटिव वेक्टर बनाने के लिए ए क्यूब ये हो गया आपके पास, ठीक है, ए क्यूब नीचे वाला बना लेते हैं अपन, ठीक है, ये नीचे वाला क्यूब हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये आपके पास नीचे वाला क्यूब हो गया, एक साइड में बना लेते हैं, ठीक है, एक बना लेते हैं अपन साइड में इस तरीके से, मैं मिटा दूं इसको, तो देखिएगा देखिएगा इस तरीके से बनेगा, ये आपके पास इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से बनेगा, ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक आपके पास ये सेंटर पे बीसीसी वाला, ये सेंटर पे जो सेंटर वाला बीसीसी वाला है वो है, तो एक ये ले लीजिए, एक यहाँ पर दे दीजिए और एक यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ए पॉइंट दे दीजिएगा इसको, इसको ए पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, इसको बी नंबर पॉइंट दे दीजिएगा, इसको सी नंबर पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, ए नंबर पॉइंट दे दीजिएगा इसको, इसको बी नंबर, इसको सी, जो सेंटर पे है ना बीसीसी वाला, ये वाला दोबारा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये आपके पास दोबारा स्ट्रक्चर हो गई, ये आपके पास दोबारा स्ट्रक्चर हो गई, ये आपके पास दोबारा स्ट्रक्चर हो गई, जो ये सेंटर वाला है, सेंटर वाला बीसीसी वाला, उसको उसके अपन को प्रिमिटिव वेक्टर शो करने, उससे रिलेटेड अपन को शो करने, अगर कॉर्नर वाला होता तो सिंपल कॉर्नर से अगर बनाते तो ये आपके पास क्या होता, सिंपल क्यूबिक के लिए होता, सिंपल क्यूबिक के लिए होता, और ये आपके पास सेंटर पे है तो ये आपके पास बीसीसी के लिए होगा,
ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनाइए सबसे पहले। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई आपके पास ए बाई टू, ये डिस्टेंस हो गई आपके पास ए बाई टू, ये डिस्टेंस हो गई आपके पास ए बाई टू, ये आपके पास डिस्टेंस हो गई ए बाई टू। यहाँ से डिस्टेंस ए बाई टू हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस ए बाई टू, ये ए बाई टू, ये ए बाई टू। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास वेक्टर शो करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन वेक्टर शो करें ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये सेंटर का ओ मान लीजिएगा, ओ ए वेक्टर को शो करें, तो देखिएगा ओ ए वेक्टर को शो करना चाहें अपन किस तरीके से ओ ए वेक्टर को शो करेंगे। ओ ए वेक्टर को शो करें तो देखिएगा ओ ए वेक्टर को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर यानी ए वेक्टर इक्वल टू ए बाई टू आई कैप, ए बाई टू जे कैप, और माइनस का ये पीछे की तरफ है, ये ए वेक्टर को मैं शो कर रहा हूं इस तरीके से, ये डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस ए बाई टू जे के कैप, इसकी डायरेक्शन यहां से ए ए बाई टू जे कैप हो गया, ये ए बाई टू आई कैप हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट में के कैप हो गया, माइनस का साइन लग गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन लग गया, तो आपके पास ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू जे कैप माइनस ए बाई टू के कैप, ए बाई टू कॉमन ले लीजिएगा, तो ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ओबी वेक्टर शो कीजिए, ओबी वेक्टर, तो ये आपके पास ओबी वेक्टर शो कर रहे हैं अपन, ओबी वेक्टर में क्या होगा, ओबी वेक्टर किसके बराबर होगा, बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, बी वेक्टर के बराबर होगा। अब देखिए इसको उठाकर यहां पर रख दीजिए, अब ये ए वेक्टर है तो इसको उठाकर एक्स एक्सिस पे रख दीजिए, इसको उठाया और इसको उठाकर एक्स एक्सिस पे रख दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, माइनस ए बाई टू आई कैप, क्यों, क्योंकि ये बी वेक्टर पे चला गया, ओ बी वेक्टर पे चला गया, तो ये आपके पास ओ ए वेक्टर जस्ट क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ए बाई टू माइनस का हो गया और ए बाई टू जे कैप हो गया इस डायरेक्शन में, और ये आपके पास ए बाई टू के कैप हो गया प्लस ए बाई टू के कैप हो गया, ये आपके पास ओ बी वेक्टर हो गया। ए बाई टू कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ए बाई टू कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपके पास आ जाएगा ओसी वेक्टर, लगाइएगा ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, ओसी वेक्टर, तो इसका जस्ट अपोजिट कौन सा हो गया, ओसी वेक्टर, तो ओसी वेक्टर हो गया आपके पास, इसका जस्ट अपोजिट देखिएगा, इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कैसा होगा, ठीक है, इसको घुमा दीजिए ए को और बी को इसकी जगह ले आइए। ठीक है, ए को घुमा दिया, बी को इसकी जगह ले आया, तो बी आपके पास जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि अपन इस इसकी ओर देख रहे हैं, तो इसको ऐसे घुमा रहे हैं, घुमाने पर अपन को ऐसे घुमाएंगे जब, तो सी वैक्टर आपके पास क्या आएगा, सी वैक्टर जब डायरेक्शन में आएगा उसके लिए थोड़ा सा रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए वैक्टर तो इस तरफ चला जाएगा, बी वैक्टर नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ओसी वेक्टर की अगर शो करें तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये ए बाई टू आई कैप माइनस ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप, जैसे घुमा दिया तो ये ओ बी वैक्टर ओ ए वैक्टर की जगह आ गया, ओ ए वैक्टर ओ बी की जगह आ गया, तो ये आपके पास जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये ए बाई टू जे कैप डायरेक्शन वाला जस्ट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा इसके। ठीक है, इसको मैंने ऐसे रोटेट करवाया और जस्ट क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। ठीक है, जस्ट क्या हो गया, या अपोजिट हो गया, इस तरीके से अपन बनाएंगे, और इसमें कॉमन ले लीजिएगा, ए बाई टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर बन गया है, ये आपके पास बन गया है ए बाई टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ए बाई टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, बीसीसी के लिए वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, लगाइएगा हेडिंग वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल कितना नंबर पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ये आपके पास कितना हो जाएगा, ओमेगा लिख देता हूँ उसको, ये ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपके पास हो जाएगा, ए वेक्टर लिखिएगा, ए बाई टू आई कैप कॉमन ले लीजिए, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब बी वेक्टर लिख दीजिएगा, बी वेक्टर आपके पास ए बाई टू ले लीजिए बाहर, इसका ए बाई टू कॉमन लोगे और एक इसका ए बाई टू कॉमन लोगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। इसके लिए लिखिएगा बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या कराना है, अपन को क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, किसके साथ करवाना है, इसके साथ, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और डायरेक्ट रिजल्ट लिख दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करवाइए ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करवाइए, इसकी वैल्यू माइनस वन वन वन, इसकी वैल्यू वन माइनस वन वन, ठीक है। तो देखिएगा मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ, ये आपके पास आई कैप तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप है तो ये जे कैप कीजिएगा, इसको ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए और कॉलम छोड़ दीजिए, ये माइनस वन वन माइनस वन, ठीक है, के है और ये वन वन माइनस वन, ठीक है। तो प्लस के कैप, तो के कैप कितना हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, माइनस वन वन और ये माइनस वन, ये आपके पास वो माइनस माइनस प्लस, प्लस का वन और ये माइनस वन, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा आई कैप टू आई कैप टू आई कैप प्लस टू जे कैप, टू जे कैप क्या, बी क्रॉस सी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा a बाई टू मल्टीप्लाई ए क्यूब बाई फोर, सॉरी ए स्क्वायर बाई फोर, और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ये इसका रिजल्ट है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये रिजल्ट है, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है किसके साथ, इसके साथ, टू i कैप प्लस टू j कैप, ठीक है। टू बाहर रखोगे और इसको काटोगे, तो अब देखिएगा नेक्स्ट अपन प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट प्रोसीड देखिएगा अपना, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजन देखिएगा, ये आपके पास, ये आपके पास ओमेगा हो गया, ये आपके पास ए क्यूब बाई एट, ठीक है, एट हो गया, ये टू कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, आई कैप से आई कैप डॉट प्रोडक्ट हुआ, जे कैप से जे कैप डॉट प्रोडक्ट हुआ, तो आई कैप से आई कैप डॉट प्रोडक्ट हो गया, जे कैप से जे कैप डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, के कैप है, के कैप से के कैप डॉट प्रोडक्ट होगा नहीं, तो आई कैप से आई कैप डॉट प्रोडक्ट वन होगा, जे कैप से जे कैप डॉट प्रोडक्ट वन होगा, के कैप से के कैप डॉट प्रोडक्ट वन होता है, परंतु यहाँ पर आपके पास आई डॉट जे नहीं होगा, जीरो हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू टू, ये वैल्यू भी टू, ये आपके पास ए क्यूब अपॉन एट, ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपके पास कितने टाइम, वन टाइम या टू टाइम्स, तो ये ए क्यूब बाई टू, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ओमेगा का रिजल्ट कितना आ जाएगा, ए क्यूब बाई टू,
ठीक है, ये इस तरीके से ये आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। इस तरीके से अपन वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल को निकालेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। प्रिमिटिव वेक्टर बीसीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वॉल्यूम की बातें इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एफसीसी की कंप्लीट बातें करेंगे, ठीक है, हेक्सागोनल की कंप्लीट बातें करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।